गुलाब चक्रवात से लगातार हो रही बारिश से जहां लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, वहीं अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों की जान हमेशा जोखिम में ही रहती है। अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा गोफ बनते रहता है। केंदुआडी थाना क्षेत्र के अग्नि प्रभावित क्षेत्र राजपूत बस्ती में जोरदार आवाज के साथ जमीन धस गई, जिसमें आशा देवी के घर का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। आशा देवी भी जमीन धसने के बाद बनी गोफ में समा गई। चीख सुनकर उसका बेटा आनंद सिंह दौड़ा। मां को बचाने के लिए आनंद फानंद में वह भी गोफ के अंदर कूद गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर रस्सी के सहारे बाहर निकाला। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। BCCL की पुनर्वास नीति फेल होने से लोगों की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है। BCCL इस पर कोई कारगर कदम नहीं उठाने के कारण घनी आबादी के लोग मौत के मुहाने में रह रहे हैं। राजपूत बस्ती अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। बारिश के कारण कई स्थानों पर छोटे छोटे गोफ बन गए हैं। कई घरों में दरारें भी पड़ चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक राजपूत बस्ती में भूधसान की घटनाएं कई बार घट चुकी है। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व PMO की टीम अग्नि प्रभावित क्षेत्र का दौरा किए, लेकिन राजपूत बस्ती का हाल जानना मुनासिब नहीं समझा। कुछ दिन पूर्व केंदुआडी के गंसाडीह में एक युवक गोफ में समा गया था। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पानी जितना बरसा हो रहा, हाँ। 3:30 बजे पूरा जोर का आवाज हुआ, हाँ। सब आदमी लोग निकला, कुछ आवाज दिया, जो एक आदमी अंदर चल गए थे, एक लेडीज, हाँ। फिर आवाज दिया गया तो सब गांव वाला उठा, हाँ। उसका लड़का फिर कूद गया, देखा कि उसका माँ अंदर गया हुआ, तो वो गोप में ही कूद गया। अच्छा, ठीक। उसके बाद सब पूरा गांव वाला सब रस्सी उस्सी दे के और फिर उसको निकाला गया। और अभी प्रशासन को बोला गया, प्रशासन बहुत देर में आया, सुबह 5:30 बजे। उसके बाद उसको फिर ले गया प्रशासन हॉस्पिटल, अभी तो हॉस्पिटल। अच्छा, में है। इसमें कई लोग घायल हुए हैं? दो आदमी हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है आशा देवी, हाँ। और उनका लड़का का आनंद सिंह। दो लोग घायल हो। BCCL प्रबंधक यहाँ नहीं आई थी ना? अभी तक तो कोई नहीं आया।